तरु देवतांकर महाराणी तेजस्विनी मत कहीं लगुच जो रात से बाघर भय लाणीपटे युद्ध हार भय सेपटे अंधारी देवी कोप मत तो कहीं ठीक ठाक लगुनि मत कौटी टे लुचे भाणीजी मो जीवन सारू पत्र पानी पड़ी ढल ढल है भाया कहीं कौटी खसी जीवनी तो बुझल मामु तम भि गोटे भीरु काकुरस को घृणा कै घृणा कै मुझे समय रे साहस दबा बदल तमे तमे भय कर मामु मरी जा मरी जा टिके जहर खाई तमे मरी जा एक कथा तू कह पार भाणीजी मु तुम मानक अत्यंत खुशी मुझे आसी सबु जगार सबु जीमा तो निश्चय भरी जीव आपण को कृपा रु ए दीप सबुज सुंदर हो सारी आपण खाली एति की करंतु ए कृतदास मानंकु दासत्व रु मुक्त करंतु ए आते सहज नुहे ए सब करबा को हेले प्रथमे स्वर्ण कुमारी को हत्या करबा को पड़िबो स्वर्ण कुमारी रा रक्त ए माटी रे पड़िले ए माटी रा समस्त शुभ शक्ति काम करबो सुखी जाईथिबा नदी नाळ आपे आपे झर आकाशर चारिमेघ एकाठी हे समस्ते आजीवन सुखर रे शांति रे युद्ध आरंभ कर युद्ध प्रस्तुति आरंभ हम दिव्यतरु किंतु ना मो हाथ में कौन अस्त्र अच्छी ना राजकुमार हाथ में कि चिंता करनी युद्धर अस्त्र वस्त्र मु तुमको प्रदान करी युद्ध रानी स्वर्ण कुमारी विरुद्ध रे युद्ध 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 पूर्वरु तुरी बोला जाए तुरी बजाओ रे बजाओ ये कौन ए युद्ध बाजना कौ मैने बजाऊँ कौ कौ शब्द आसुची मत लगुच महाराणी ये युद्ध बाजना केवल तेजस्वी आउता लोक मैंने ही बजाऊँ मो मन में एक अशुभ प्रश्न आसुची महाराणी से मैंने आमर प्रसाद दखल करना तो सबुर अबुर कारण जना पड़ किंतु प्रथमे आम ए मेघ आस्तरण बाहर पड़ो हाँ बाहर पड़ो ये परिस्थिति देखिले इतने डर लगुच महाराणी केमी बाहर मुझे कि बुझी पार ना लाज लगुनी एक तमें मत पचार सामर्थ्य अच्छी जदि मो आदेश पालन कर ए मेघ को काटी आम को बाहर कर अपेक्षा करंतु हाँ
अजोग्य तमे गोटे निहाति अपदार्थ मते मते किछि करबाक पड़िबो हां मते ये कौन हो ची माया दर्पण हाँ कौन हो ची ये देखो मते मते मेघा मारा नहीं मुँह मो भोनी को देखिया पाई चाहे मो भोनी को देखा सपने सॉरी तू कौन थी अच्छी सपने सॉरी तू तू मते देखा जाओ नू कहेगी हाँ कौन थी अच्छी माया दर्पण मते मते मो भोनी को देखाई दियो मो भोनी को हां मु पारुनी रत्नांगी मु असहाय असहाय काहे की असहाय हां उत्तरा पवन परे आकाश को मेघ गोटी आसे एबे से मेघ स्वप्नेश्वरी को काबू करी नै छी मु जेते चाहिले भी ताकू देखि पारुनी सब कुछ लगुची मुझे युद्ध हारी जी मुझे मो भी को देखा पाई पाइबि तो ताले रणनीति प्रस्तुत करी भी केमती हाँ तू जेते माया कर पछे तेजस्वनी आज मु तते सहज रे छाड़ीबिनी मरिबु तू मरिबु नहीं कौन है ला महारानी वो गोटे तू स्वप्न देखिली दुस्वप्न की दुस्वप्न से मेघ माला भितर लुचिची स्वरूप लगुला सी गोटे असुरणी बोली मो झी को मारिदेव बोली चित्कार करूला मारिदेव मो झी को व्यस्त हूँ महाराणी आपन टे जोग बल देखु ना मो स्वामी और मो झी कौटी अच्छा केमी अच्छा मुझे केवे भी किसी अनुरोध करनी मोर ये अनुरोध रखत ठीक अच्छे मत कि समय दिंतु गुरुदेव कन्या तेजस्विनी एबे युद्ध क्षेत्र रे युद्ध क्षेत्र रे राजकन्या हे मध्य से छोटो बड़ो चासी घरे बड़ हेची ताकु तो युद्ध कौशल जणा नथिबो माँ मान आखिरे पाने काले काले शिशु ये भावना आपण मनरु दूर करने पड़ो महाराणी मन रखु तेजस्विनी देहरे पुंडरा राजवंशर रक्त से रक्त भीरुता कौन जानी किंतु गुरुदेव तेजस्विनी कौ मान सहित तो युद्ध लड़ुची ता सांगरे जो माने लड़ुचंती से माने कौनसी गुणरे भी कम नुहंती ता छड़ा ता विरुद्ध रे प्रचुर तंत्र शक्ति भी काम करुची ताले मो झियो
मो झी कौन हारिज गुरुदेव से कौन तक मारिदेवे माँ रणत तलु जम भी पा नापी भय कै महाराणी आपण को आपण मातृशक्तिर पराकाष्ठा देखापी या उपयुक्त समय मत कौन करवा गुरुदेव अग्नि को नहीं आपण को हट साधना करने को पड़ो महाराणी आपण जेते जेते अग्नि रे जलिबे आपण को कन्या सेते सेते तेज संपन्न हो ये पृथ्वीर कौन सी शक्ति केबे भी परास्त करि परिबनी मु करबी मु सब किछि करबी गुरुदेव ठीक अछि मु हट जगर प्रस्तुति पई मो शिष्य मन को पंचघाटर जल आनिबा को पठौछि आपण हट जग पई निज को प्रस्तुत करंथु हे सर्वशक्तिमान ईश्वर मते पछे सात नरकर कष्ट दियो किंतु मो झियो को उद्धार कर प्रभु उद्धार कर भाभी देखंदु महाराणी दरकार हेले ये अग्निता दाहिका शक्ति रे आपण को भस्म कर दे पारे मो संसार तो भस्म हो जाइछि आउ भस्म हवा को मोर डर नहीं मृत्यु को मोर भय नहीं जिते कष्ट हेले भी मु आज अग्नि उपरे चलिबी मते केहि भी रोकी पारिबेनी ए चेष्टा आपण को प्राण नै जाय पारे मो झियो पाई मो प्राण चली गले दुख नहीं गोटे मार मन कथा मु बुझी पारछि महाराणी हेले आमे आपण को हरेबा को चाहुनु थरे आध्यात्मिक जगत रे पाद देला परे हारिबा जितिबार कंक कसा हुएनी आज जदि मोर किछि न हुए ताहले दुनिया कहिबो गोटे झियो पाई तमा अग्नि को पारी हे गला आउ जदि मोर किछि हे जाए ताहले तमे माने दुनिया को कहिबो जे गुरु को निर्देश रे हट जोग साधना करु करु गोटे जोगिनी निहारे पोड़ी मरी गला दुईटा जंगरे मोर सुनाम हाँ फरक एतिकी गोटे रे मते मृत्यु मिलिबो आउ गोटे रे मुख्य किंतु मो झियो बिना दुईटा जगार अर्थ मो पाखरे किछि भी नाही गुरुजी जदि आपण सामान्य इच्छा प्रकट कले तेजस्विनी युद्ध जीति जाई पारे ताले आपण महाराणी की निहार चलाउछंती काहेकि सबु विद्यार गोटे संविधान अछि मु से संविधान ऊर्धरे नुहे जदि आज मु या करिदिए तबे काली सकाळे ए सारा समाज ए साधु शक्ति उपरे निर्भरशील हो जिवे निजर जप तप कर्म संस्कार सबु किछि के भूली धर्म उपरे बोझ पलटि जिवे आ विलंब न करी अग्नि को प्रज्वलित कर महाराणी अग्नि रे प्रवेश करिया पई प्रस्तुत हो सारे यथा आज्ञा गुरुदेव हबनी आउ अनुमति नवा को हबनी हैला चल भाई जदि राणी सेठी नथिबे मु तम अवस्था खराब कर देबी मो अवस्था तो केबेटु हिनस्ता आलो जियंता सपट को मारे के पाइबु कोन कहलु आ सुनो पाइबा न पाइबा तो पर कथा युद्ध समय तमे मते माया दर्पण आगुरु उठे गिरि आनिच ता फल तो तमे निश्चय पाइबो जम्मा हबनी ना ना जम्मा हबनी रोला बाजी ना ना रोला बाजी बाजी आउ जति सेठी राणी नथिबो ताले मोनार गोटे जोड़े नुह दस बारटा कुकुर पालब हैला सेथुरु पांच छटा अंडरा कुकुर पुंद्रा रे आउ पांच छटा अंडरा कुकुर अंधारीगढ़ पालबु आ ठीक से माने मोरी बाला आंदो होतवे आ आ जिबा भाई कोन कोन हला
ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ରାଜ୍ୟ। ଯଦି ସେଠି ଆମକୁ କିଏ ଚିହ୍ନି ନେଲେ ତାହେଲେ ଆଉ ବୁଝିଲୁ ଭଉଣୀ, ଆମର ଯୋଉ ମା ବାପା ବା ଆମକୁ ଜନ୍ମ କଲା ମା ବାପା ମରିକି ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ଭୁଲ ବଶତଃ ତଳକୁ ଆସନ୍ତି ତାହେଲେ ବି ଆମକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି। ଆଉ ଏମାନେ କଣ ବା, ଚାଲ ଆଜି ବା ଚାଲୁନୁ। ଭାଇ ଏଠି କ'ଣ ଚାଲିଛି କି? ପୁଣ୍ଡରାୟ ମହାରାଣୀ ତାଙ୍କ ଝିଅ ତେଜସ୍ୱିନୀକି ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତେଇବା ପାଇଁ ସେ ନିଆଁରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଓ ହେ ଅନ୍ଧାରିଗଡ଼ର ଦେବୀ, ଇନ୍ଦୁମତୀ ନିଆଁରେ ନ ଚାଲିପାରୁ, ଯଦି ଇଏ ନିଆଁରେ ଚାଲିବ ତାହେଲେ ମୋ ବଡ଼ ଝିଅ ପାଇଁ ବିପଦ ମାଡ଼ି ବସିବ। ରକ୍ଷା କର, ରକ୍ଷା କର ମା। ଆଉ ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତୁନି ମହାରାଣୀ, ଏବେ ଅଗ୍ନି ଉପରେ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ହେ ଅଗ୍ନି ଦେବତା, ମୋ କନ୍ୟାର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ତେଣିକି ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ରୁହନ୍ତୁ ମହାରାଣୀ, ଆପଣ ଏଇ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟକୁ ସାତ ଥର ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ସାତ ଥର ପ୍ରବେଶ ନ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ତେଜସ୍ୱିନୀ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବନି। ଜାଣିନି, ମତେ ଲାଗୁଛି କେହି ଜଣେ ଯେମିତି ମୋ ପାଦ ତଳେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲା। ଯୁଦ୍ଧ ବେଳେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଶରୀରରେ ଏମିତି ତାପ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତେଜସ୍ୱିନୀ, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ତାରି ପରିଣାମ ହେଇଥିବ। ରୁହନ୍ତୁ ମହାରାଣୀ। ଭାଇ, ରାଣୀଙ୍କ ଆହୁରି ଦୀଘିର ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦେଖିବା ଭାଇ ତା ଆଗରୁ ରାଣୀ ଟଳି ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଯୁଦ୍ଧର ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କର। କୀର୍ତ୍ତଦାସ ଭାଇଗଣ, ଏବେ ତମେମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋ କଥା ଶୁଣି ରଖ, ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମକୁ ମିଳିମିଶି ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତମେମାନେ କେଉଁ ଦିଗରୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବ
କେମିତି ଆକ୍ରମଣ କରିବ ସେ ବିଷୟରେ ରାଜକୁମାର ତୁମମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବେ। ତାପରେ ଯୁଦ୍ଧର ତୁରି ବାଜି ଉଠିବ। ବାଜି ଉଠିବା କ୍ଷଣି ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ତୁମେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ମନକ ଭାଇମାନେ ତୁମେ ଏକା ନୁହଁ, ତୁମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ ରାଜକୁମାର ଅଛନ୍ତି, ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଶସ୍ତ ଜାଲଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ଏ ଯାଦୁ ଅଛି, ସବୁ ପରେ ବିଜୟିନୀ ତେଜସ୍ୱିନୀ ଅଛନ୍ତି।